यहाँ पे ORN में मोबिलाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूछते हैं एक स्टूडेंट से कि इनका व्यू क्या है। सर, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके उस पर कुछ व्यू दीजिए, आपका क्या रिकमेंडेशन है? सर, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए तो हम ये समझेंगे कि जैसे कोविड आया, उसके बाद बहुत लोगों का बैकलॉग हुआ, जिनका सिक्स अटेम्प्ट था, जिनका कुछ भी रहा पहले, अगर वो आप देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को उनकी सुननी चाहिए और सबको उनका साथ भी देना चाहिए। क्योंकि सब अपने घर थे और ऐसी सिचुएशन थी कि वो समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी है कि लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर आते इसलिए हैं कि घर से बाहर रहकर हम पढ़ सके, लेकिन वो अपने घर गए और फिर वहाँ पे ऐसा माहौल रहा, डर में रहे। फियर एक हमारा बहुत बड़ा इमोशन है। 4-5 महीना तक बिल्कुल लॉकडाउन लगा रहा, ये इतना बड़ा इमोशन है कि मतलब इमोशन ऑफ डेथ, इट्स रियली अ वेरी बिग सिन दैट वी हैव, है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे और समझेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ना मैम, मतलब UPSC वाले जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग थ्रेट, वो भी डर रहे थे, हम भी डर रहे हैं, सब डरे हुए थे। तो उसके बाद प्रिपरेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था, मतलब है भी ऑब्वियसली, है ना। सर, आपका कुछ व्यू? तो मैं बेसिकली ये सोचता हूँ कि मतलब जैसे 2020 के अंदर लॉकडाउन आया, तो उस टाइम पे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे मतलब पूरी वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट हुआ है, नो डाउट, पूरी जितनी भी इंडस्ट्री थी सबके ऊपर इफेक्ट हुआ है। तो UPSC वाले जो थे उनके ऊपर भी हुआ है। तो उन्हें उनका जो लास्ट टाइम था उनका वेस्ट हुआ है एज अ मैं मानता हूँ। तो उन्हें एक एटलीस्ट एक ना चांस मिलना चाहिए, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उन्हें एक और चांस देना चाहिए। क्योंकि हर कोई क्या होता है कि मतलब इक्वल स्टेटस में नहीं था, इक्वल स्टेटस में नहीं होता ऑब्वियसली। सो उन्हें लास्ट चांस देना चाहिए। कोई अपनी जॉब छोड़कर आ रहा है, कोई कुछ छोड़कर आ रहा है, कोई पुलिस था, कोई डॉक्टर था, अपॉर्चुनिटी छोड़कर आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो कर सकता है ये चीज़। लेकिन जितना भी इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल, वो सब पे हुआ है, खाली उन पे नहीं हुआ, सब पे हुआ, हर एक इंडस्ट्री में हुआ है। अगर हम देखें भी आज भी एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो लैपटॉप जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सबसे बिगेस्ट इम्पैक्ट है ना उन पे ही हुआ है, सप्लाई चेन का जो इम्पैक्ट हुआ है उन पे हुआ है। तो ओवरऑल सब पे हुआ है। तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए और हमें इन्हें ना चांस देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, सबको देना चाहिए। डेफिनेटली, बिकॉज इतना वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ है ना, तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी हुआ है, सबके ऊपर हुआ है, तो हमें डेफिनेटली उनको चांस देना चाहिए। तो ये ORN में आप देख रहे हैं कि जो मोबिलाइजेशन का काम चल रहा है, जो मोबिलाइजेशन का काम चल रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट का जो जनरल व्यू है अभी आपने इस वीडियो में सुना, ठीक है। थैंक यू।